कटहल की सब्जी हम सबको पसंद है, चाहे ड्राई बनाएं चाहे ग्रेवी में, लेकिन एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो बिखर जाती है और टेस्ट अंदर तक नहीं जाता है। तो आज की रेसिपी में ये बताऊंगा, वो बिखरेगी भी नहीं और साथ ही साथ टेस्ट अंदर तक जाएगा और खाने मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे हमने 2 प्याज और 3 टमाटर लिए हैं। टमाटर बिल्कुल लाल लाल होने चाहिए, पके हुए होने चाहिए। जो 2 प्याज हैं इनको हम स्लाइस में ले लेंगे इस तरह से। प्याज को बारीक काटना, बारीक काटेंगे तो क्या होगा, ये अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। टमाटर यहाँ पे हम चॉप करेंगे, लेकिन फाइन चॉप करना है बिल्कुल। नाइफ आपका शार्प होना चाहिए, शार्प नाइफ से ही बढ़िया टमाटर कटता है। हमने यहाँ पे 1/2 kg कटहल लिया है और ये पका हुआ नहीं होना चाहिए, ये कच्चा होना चाहिए। जो पका हुआ होता है वो होता है एज ए फ्रूट खाने के, और जो कच्चा होता है वो होता है सब्जी बनाने के लिए। तो ये 1/2 kg है। यहाँ पे कढ़ाई ली है और सबसे पहले मैं कटहल को प्रोसेस करूँगा। तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि फ्राइंग करना है हमको। तेल यहाँ पे मीडियम गर्म हो चुका है, तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल की आंच बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार हम फ्राई करते रहेंगे। चारों तरफ से बढ़िया सा फ्राई होना चाहिए, लगभग 50% पक जाए ये। लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन मत कर देना, अगर डाउन कर देंगे तो बिखर भी जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इसकी कटिंग करवा के लाएँ या खुद करें, इस पर जॉइंट होना ज़रूरी होता है। अगर इसमें जॉइंट नहीं होगा ना तो सारा बिखर जाएगा ये। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं इसको। अब उसी तेल के अंदर हम यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ा तेल कम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्राइंग करने के लिए हमने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला था। जो अनियन हमने काट के रखे थे वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। 10-12 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, सभी को एक साथ मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनियन पूरी तरह से ब्राउन नहीं हुआ है। उससे पहले पहले आपको 1 छोटा चम्मच जीरा डालना है यहाँ पे, और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता है, इसको हल्का सा फ्राई किया जाता है यहाँ पे। और अब देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। बस यहीं पे गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। अब फटाफट से इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा दबा के निकालेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल वापस से कढ़ाई में चला जाएगा। तो मैंने अनियन को हल्का सा प्रेस कर दिया है और मिक्सर जार में डायरेक्ट डाल रहे हैं। हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच के आसपास। तेल गर्म हो जाए तो 1 बड़ी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 1 तेज़पत्ता, 2-3 लौंग और कुछ दाने काली मिर्च के। जब भी खड़े मसाले का तड़का लगाया जाता है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। लेकिन खड़े मसाले को जलना नहीं चाहिए, कई लोग क्या है जला देते हैं इसको, तो खुशबू की जगह काम उल्टा हो जाता है। हल्की सी खुशबू आनी चाहिए, और जैसे खुशबू आ जाए जो टमाटर हमने काटा हुआ था वो ऐड कर देंगे। ये गया नमक स्वाद अनुसार। पहले टमाटर को अच्छी तरह से गलने देंगे, उसके बाद में मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर पूरी तरह से गल गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। मसाले में 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक बढ़िया सा कलर आ जाएगा और स्पाइसी भी नहीं होगा, और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर मैं नहीं डाल रहा इसके अंदर, क्योंकि धनिया हमने पहले से ही पीस लिया था थोड़ी सी क्वांटिटी में, जब हमने प्याज को फ्राई किया था। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए और हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए यहाँ पर, जिससे मसाले जले नहीं, और मसाले को तसल्ली से पकने दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है सब्जी जब बनाते हैं, मसाले का पकना। तो ये देखिए आप मसाला कितना प्यारा पक चुका है, ऑयल लूज आउट हो गया है, टमाटर पूरी तरह से दानेदार हो गया है, कलर डार्क हो चुका है, ये साइन होते हैं मसाले पकने के। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2 छोटे चम्मच मीट मसाला, आप चाहें तो गरम मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से वेज होता है, इसमें नॉनवेज कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। प्याज जो हमने पीस के रखा था ना वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। आपको हमेशा बोलता हूँ ग्रेवी को पीसने के बाद में फिर से पकाया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको पीसते हैं तो उसमें कच्चापन आ जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देता हूँ और हल्का सा पानी ऐड कर दूंगा, लगभग 1/2 कप के आसपास, और इसको तसल्ली से पकने देंगे। ग्रेवी को पकते हुए यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी में डार्क कलर भी आ चुका है, लेकिन ग्रेवी अभी पूरी तरह से पकी नहीं है। लेकिन उससे पहले पहले जो कटहल हमने फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड करने होंगे यहाँ पे, क्योंकि कटहल लगभग 60-70% ही पके हुए हैं। थोड़ा आप कटहल को भी तो पकाना होगा, और कटहल पकेंगे भी साथ में ग्रेवी को थोड़ा अब्जॉर्ब भी करेंगे, उसके मसाले भी लेंगे। चलिए गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसको ढक के पकाएंगे 5-6 मिनट और। लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ये देखिए रोगन ऊपर की तरफ आ चुका है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है इसको, ज़्यादा स्टर करेंगे तो ये टूटने लग जाएगा। ये ग्रेवी कितनी शानदार लग रही है,
अल्टीमेट, एक हरी मिर्च काट के इस तरह से ऊपर से डाल देते हैं, कच्ची हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और लास्ट में मैं डालूंगा यहाँ पे धनिया श्रद्धानुसार, क्योंकि ये जाना ही जाना है। ये देखिए कितनी शानदार ग्रेवी तैयार हुई है, शानदार सब्जी बनी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको। सब्जी का टेक्सचर देखिए आप, बहुत ही शानदार। और अगर मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँ तो ये देखिए पूरा बिखर गया है। ये देखिए किस तरह से बिखर रहा है। कटहल का अचार भी बहुत अच्छा बनता है। अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए, इसकी रेसिपी बनाएंगे।